दो दिन से परेशान हूँ। पिक्चर बुक हो चुकी है मराठा मंदिर में, वहाँ पब्लिसिटी लग गई है। गेटी गैलेक्सी में बुक हो चुकी है, यहाँ लग गई है पब्लिसिटी। और जिंदगी में हमने शाहरुख जी की पिक्चर लगी, सलमान जी की पिक्चर लगी, हमने कभी भी रेट के अंदर बढ़ावा नहीं दिया है, वही रेट में है। उनको हाथ पैर जोड़ के, इनको भी हाथ पैर जोड़े कि हम ये रेट में ही चलाएंगे, 80 और 100 बालकनी। अब आप हम पे ये थोप रहे हो कि आपको कैसे भी करके 150, 250 और 300 करना पड़ेगा। ये मेरे पास वो ऑडियंस ही नहीं है। मेरे पास मासीस आते हैं, मिडिल क्लास आते हैं, अपर मिडिल क्लास आते हैं, लोअर मिडिल क्लास आते हैं, और ये सब ले सिटी में आने वाले जो सिनेमा को सिनेमा समझ के देखते हैं, वो नहीं कि बाजू में पॉपकॉर्न धीरे से खा रहे हैं 500 रुपये की टिकट में, वो सब मेरे वहाँ नहीं है। मेरे वहाँ एक एंजॉय किया जाता है सिनेमा को। तो पीके एक एंजॉय करने वाली बात थी, एक बहुत ही प्यारा पिक्चर था। और आमिर जी के साथ भी मेरे खुद के संबंध है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, यहाँ आते रहते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। विधु विनोद चोपड़ा जी ये जीत लेके बैठे हैं कि मुझे करना पड़ेगा 200 रुपया 300 रुपया 150 करना पड़ेगा। मैं रेट बढ़ाने में मानता ही नहीं हूँ। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मुझे नुकसान लाखों रुपये का हो रहा है मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी में न लगाने से। मैं वो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं रेट नहीं बढ़ाऊँगा, बस मेरी यही बात है। और इसी बात पे पिक्चर नहीं आ रही है, और कोई इश्यू नहीं है। तैयार है भाई, मैंने को सुना है, साथ में होने के लिए तैयार है, तो तुमको मैंने थोड़ी रोका है, तो आ जाओ ना। बोलते हैं, लेकिन सब लोग ने सरेंडर किया है। क्यों? बहुत बड़ी पिक्चर है। पिक्चर सभी बड़ी होती है, छोटे में छोटी पिक्चर भी बड़ी होती है, बड़ी में बड़ी पिक्चर भी छोटी होती है। ये सब पब्लिक के हाथ में है, हमारी जनता के हाथ में है। और वही जनता को तुम 300 रुपये में दिखाओ तो जनता आएगी कहाँ से तुम्हारे पास? फॉर्मूला ही गलत है, लेकिन वो उनकी मान्यता है। देखो, सब अपने दिमाग से सोचता है, वो उतने दिमाग से सोचते हैं, उनके हिसाब से बराबर होगा, हमारे हिसाब से बराबर नहीं। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नार और मैं, हम दो ही डिसीजन लेते हैं। हम दोनों ने डिसीजन लिया, ना मराठा मंदिर में लगानी, ना यहाँ लगानी, इतने भारी रेट हमें पर पड़ेंगे नहीं। और एक बात अब आखिरी नोट जाते जाते बता रहा हूँ कि दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे कम रेट के अंदर ही, मैंने 1000 वीक और 20 साल चलाई है, ये कोई ना भूले, लेकिन फिर भी सब भूल जाते हैं। एक रात में करोड़पति बनने का कौन सिखाता है, मुझे मालूम नहीं है। ना 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 आमिर खान से, ना विधु विनोद चोपड़ा जी से बात हुई है। हमारे बुकिंग करते हैं मिस्टर विनय चौकसी, भरत भाई शाह के पार्टनर, VIP एंटरप्राइज। उनको ये सब मैसेजेस दिए, उन्होंने मुझे आगे किया कि रेट ये बढ़ाने को बोल रहे हैं, मुझे मैं पिक्चर लगाने नहीं है। लेकिन रजनीकांत और सोनाक्षी सिन्हा वो आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू।